नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे भारत में हजारों की संख्या में रेलवे स्टेशन हैं, जहां करोड़ों रेल यात्री रोजाना सफर करते हैं। देश के कुछ रेलवे स्टेशन बेहद शानदार हैं, जिनकी वर्ल्ड क्लास स्टेशन में गिनती होती है। वहीं कुछ आज भी बेहद डरावने लगते हैं। इन रेलवे स्टेशन के लिए डरावना शब्द भी कम पड़ जाएगा। दरअसल ये भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर भी मशहूर है। यहाँ जाने की बात तो छोड़िए, इनके नजदीक से भी निकलने में लोगों को बेहद डर लगता है। आइए जानते हैं इन खौफनाक रेलवे स्टेशन से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली कहानियां। कभी आपने हजारों की भीड़ में डरा देने वाला सन्नाटा या अकेलापन महसूस किया है? ऐसी जगह जहां पर खड़े होकर एक अजीब सी सिहरत और अजीब सा डर महसूस होता है। ऐसी जगह जिन्हें लोग भूतहा या हॉन्टेड मानते हैं। अक्सर हम लोग भूतों से जुड़े अनेक कहानियां और फिल्में देखते आए हैं। देश की कई ऐसी अलग अलग जगह हैं जिनके बारे में कुछ डरावनी कहानियां लोगों के बीच प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, देश में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन भी हैं जहां माना जाता है कि कई सालों से यहां भूत रहते हैं और लोग अक्सर इन स्टेशनों की यात्रा करने से बचते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इन बातों को नकारते आए हैं और उनका मानना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अपने अनुभव और प्रचलित कहानियों के आधार पर ये बताते हैं कि भूत या प्रेत इसी दुनिया में रहते हैं। ऐसे ही भारत में मौजूद 10 भूतिया स्टेशनों की कहानियां आज हम आपको बताने आए हैं। पश्चिम बंगाल का बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को कई सालों से लोग भूतिया रेलवे स्टेशन मानते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि देश का सबसे डरावना और भूतिया रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ आसपास के लोगों के अनुसार उन्होंने कुछ ट्रेनों के स्टेशन पर आने के दौरान सफेद साड़ी पहने कुछ महिलाओं को नियमित रूप से रात में यहाँ देखा। ऐसा माना जाता है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान इन महिलाओं की बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई थी और इसीलिए वे आधी रात को दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। इस स्टेशन के आसपास इतना खौफ है कि इसे अक्सर भारत का भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस कारण यहां से ट्रेन गुजरती तो थी लेकिन रुकती नहीं थी। ये स्टेशन लगभग 42 सालों तक बंद रहा और इसे साल 2009 में दोबारा खोला गया। बरोग स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला के निकट स्थित बरोग रेलवे स्टेशन भी भूतिया या कुछ डरावने रेलवे स्टेशनों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस रेलवे स्टेशन पर सुरंग 33 बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर बरोग को दी गई, लेकिन परियोजना के शुरू होने के कई दिनों के बाद ऐसा महसूस किया गया कि लंबाई का गलत अनुमान लगाया गया और इसीलिए पूरी परियोजना विफल हो गई। सरकार ने बरोग पर पटकार और जुर्माना लगाया, जिसे बरोग सहन नहीं कर सका और एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ टहलने गया तो उसने बरोग रेलवे स्टेशन की सुरंग के पास खुद को गोली मार ली। तब से इस रेलवे स्टेशन को भारत के शीर्ष प्रेत बाधित रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है और लोग अक्सर इस सुरंग के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इसके भीतर कर्नल की मौजूदगी भी महसूस की है। उत्तर प्रदेश का नैनी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट नैनी रेलवे स्टेशन को भी प्रेतों का स्टेशन माना जाता है। लोगों का मानना है कि नैनी जेल में अंग्रेजों ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया, जिससे उनकी मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं यहां आज भी आती हैं। हालांकि अभी तक इस स्टेशन पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, लेकिन नैनी जेल के पास ही स्थित होने के कारण लोगों ने इस स्टेशन के बारे में एक धारणा बना रखी है। डोंबिवली रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र।
इस रेलवे स्टेशन पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं। इसके बाद लोगों में ये धारणा बन गई है कि ये एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। लोगों का ये भी ये मानना है कि यहाँ से अक्सर चीखने की भी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ रोज रात में एक महिला खड़ी होती है और रोती हुई दिखती है, और ये पूछने पर कि वह क्यों रो रही है, वो बताती है कि वो घर लौटना तो चाहती है लेकिन जान नहीं सकती। साथ ही यहाँ कई ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं भी दर्ज की गई थी। चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चित्तूर के लोगों में इस रेलवे स्टेशन के बारे में एक अलग ही दहशत है, जिसके कारण लोग यहाँ शाम से ही आना बंद कर देते हैं। कई कहानियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिल्ली से केरल जा रही ट्रेन में आरपीएफ की टीम ने सीआरपीएफ अधिकारी हरि सिंह को इतना मारा कि वो मर गए, और उन्हीं की आत्मा इंसाफ की तलाश में आज भी यहां घूमती है। सुहागपुर स्टेशन, मध्य प्रदेश। ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट है। लोगों का मानना है कि यहां उन्होंने कई तरह की आवाजें सुनी है। लोगों का कहना है कि रात के समय में या दिन में भी जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो एक महिला दर्द और पीड़ा में चिल्ला रही होती है, जिसकी कल्पना करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, पश्चिम बंगाल। रविंद्र सरोवर कोलकाता में स्थित एक मेट्रो स्टेशन है। यह स्टेशन अपनी भूतों की कहानियों के कारण शहर में काफी चर्चा में रहा। इस स्टेशन में जब आखिरी मेट्रो रात करीब 10:30 बजे गुजरती है तो कहा जाता है कि लोग पटरियों पर भूत को देखते हैं। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। ये दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन है। इसके बारे में माना जाता है कि वहां सफेद कपड़े पहने एक महिला की आत्मा रहती है, जो इलाके से गुजरने वाली कारों के पीछे दौड़ती है। कुछ राहगीरों ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनने और किसी अज्ञात द्वारा थप्पड़ मारे जाने की भी शिकायत की है। इस असामान्य गतिविधि के कारण कई दुर्घटनाएं भी यहां पे सामने आई हैं। लुधियाना रेलवे स्टेशन, पंजाब। कहते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर सुभाष नाम के एक पूर्व कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम अधिकारी की आत्मा भटकती है। सुभाष की 2004 में मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि सुभाष को अपनी नौकरी से इतना प्यार था कि मौत के बाद भी उसकी आत्मा आरक्षण केंद्र कार्यालय में घूमती है। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, गुरुग्राम। यात्रियों ने अक्सर इस स्टेशन पर अजीबो गरीब अनुभव होने की शिकायत की है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्टेशन पर एक महिला की आत्मा रहती है, जिसकी कई साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने उसे सफेद साड़ी पहने हुए स्टेशन पर घूमते हुए देखा है। भूत, प्रेत या आत्माएं वाकई में हैं या नहीं, इस बारे में कहना मुश्किल है। कुछ लोग इन बातों में यकीन नहीं रखते तो कुछ इसे अंधविश्वास बताते हुए इन्हें मानने से इनकार कर देते हैं। हालांकि कुछ चीजें या घटनाएं ऐसी हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोगों की बातों का यकीन अगर किया जाए तो ये भारत के 10 सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन है, जहां दिन के उजाले में भी लोगों का अजीब सा डर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टीवी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।